बेहतर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। बहुत शदीद कड़ाके की गर्मी है जिस वजह से मुझे अपने बाल टाई करने पड़े, जो मैं नहीं करना पसंद करती, लेकिन बहुत गर्मी है। अच्छा, इस वक्त जा रही हूँ मैं शदीद गर्मी में, आज बहुत सारे काम करने हैं और उसके बाद रिलैक्स करना है क्योंकि आज मेरा वीकली ऑफ है। ये देखिए कितनी गर्मी, कितनी धूप है ना। मैं अपनी आंखों पे शेड्स लगाती हूँ ना, मैं यहाँ पे शेड लगाती हूँ क्योंकि ये देखिए अगर गर्मी ना होती तो ये कितना प्यारा लगता। ये देखिए पुरसकून है क्योंकि गर्मी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो घर पे होते हैं, लेकिन सुकून इंसान की मौत है। ये ओके, चादर ही एक है, आप माइंड ना करिएगा। ये आ गई हूँ मैं बाजार में, मैंने वो फ्रिल लगवानी है अपने कुछ ड्रेसेस में। ये आ गई दुकान, अंदर चलते हैं। ये देखिए ये छोटी सी गली है, यहाँ पे मैंने जाना, मेरा लखनऊ से सूट आया था और उसके साथ मैंने यहाँ पे आके, दिखाइएगा भाई कौन सा गोटा, इसको अब मैं इसके अंदर लगवाऊंगी, लेट्स सी कैसा बनता है। बहुत गर्मी है, शुक्र है मैंने अपने बाल जो है ना वो टाई किए हुए हैं। अब इससे मैंने गोटा तो ले लिया, अब मैं अपने टेलर के पास जाऊंगी, वहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊंगी, वहाँ तो पहले ही बड़ा मेस होता है। मैंने ना कुछ 3 सूट्स जो हैं ये मैं दुबई में थी तो वहाँ से मैंने लिए थे, तो उसकी ना लेंथ जितनी मुझे पसंद है उतनी नहीं थी, तो मुझे अब एक आइडिया आया नीचे फ्रिल लगवाने का, तो अब मैंने 3 उसको सूट दिए हैं उसमें फ्रिल लगाने के लिए मैचिंग के साथ। वो मैं आपको तब दिखाऊंगी जब मैं कलेक्ट करूंगी, 7 बजे का उसने मुझे टाइम दिया है, होपफुली अच्छे से बना दें, पहले तो बहुत अच्छा बनाया था। अब मैं जा रही हूँ अपने टेलर के पास, उससे चीज़ें पिक कर रही हैं, उसके बाद अपने आप को ज़रा बेहतर करूँगी, फिर जाऊँगी अपने मामा के घर। चलें, टेलर ने दिया है एक बार फिर से मुझे हार्ट अटैक, हार्ट फेल होता होता बच्चा, और अपने आप को कंपोज किया है दोबारा और मेकअप फ्रेश किया, मेकअप तो उतर गया था बिल्कुल। अब आई हूँ मैं मामा के घर, यहाँ पे मैंने एक डॉगो देखा है, अब चलते हैं यहाँ पे जल्दी से मुलाकात करते हैं। मामा के घर गए तो वो लोग थे ही नहीं, तो उनको कहीं जाना पड़ा, किसी की फौतगी हो गई थी, तो अब मैं आई हूँ यहाँ पर अपनी फेवरेट जगह पर खाना खाने, उसके बाद रात के डिनर के बारे में या कहीं और जहाँ पे जाना उसके बारे में बाद में प्लान करते हैं, दिखाती हूँ। आ गई मेरी मज़ेदार सी बिरयानी, ये है वो उनकी दुकान, ये है चिकन कोफ्ता एंड पालक, और ये है कड़ी जो मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, और ये है सब कुछ मज़ेदार सा। ये है जी मेरा फेवरेट मज़ेदार सा खाना जिसको मैं इंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ बातें आई हैं, दिखा दूँ क्या है। हाँ जी मैं आई हूँ, फूड कोर्ट है, मुझे ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर सका, मॉल ऑफ लाहौर, लाहौर ही नहीं बोलना चाहिए, मॉल ऑफ लाहौर जो है बस रुके है, एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा है मेरे ख्याल में यहाँ पर। और अगर शॉपिंग की बात कीजिए, बड़े लिमिटेड ब्रांड्स हैं, हम लोग ने तो खाना खा लिया था, बच्चे आजकल कहाँ जो है वो देसी खाना खाते हैं इस तरह से, तो रानिया के लिए इस वक्त मैं ऑर्डर कर रही हूँ KFC, यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं है तो ईजीली KFC पे हमारी लर्न जो है वो आ गई है, उसके बाद तो हम यहाँ पर KFC खाएँगे। असल में मैं वेट कर रही हूँ, मुझे जो फ्रिल लगाने वाले भाई साहब थे उन्होंने कहा कि जी 7 बजे का टाइम दिया था, फिर उन्होंने कहा कि यार सॉरी हम लेट हो गए, ज़रा अच्छे से काम करना है, 3 जोड़े हैं, तो उन्होंने फिर 8:30 का कहा, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं था टाइम केल करने के लिए, मैं फोर्ट्रेस गई हूँ, वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी जो मुझे पसंद नहीं है इतने रश में जाना, तो फिर मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ पर मेरे ख्याल में मैं 4-5 साल बाद आई हूँ, एग्जैक्टली वैसे ही इसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो अब यहाँ पे बैठ के जो है हम टाइम किल करेंगे साथ, KFC खाना है जिसमें खाएगा। पता नहीं कैसा माहौल है कि यहाँ के अंदर कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, गजब बेइज्जती है। बेचारे सबवे को भी आग लग गई है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ हो रही हैं और
ज़्यादा रश नहीं है क्योंकि कुछ है भी नहीं ना यहाँ पे। ये आ गया जी रानिया का KFC और मेरा आया है ये नीचे और कुछ और बुरा एक्सप्लोर करते हैं। चलो भाई मैं काफ़ी देर तक सोचती रही और फिर आप बाहर जाकर वी डोंट फाइंड एनीथिंग। बहुत अच्छा टाइम वेस्ट हुआ। हाँ बस खाना खा लिया, ये एक अच्छी चीज़ थी रानिया के लिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। काफ़ी देर तक सोचती रही हूँ कि यार कहीं पे अगर शॉपिंग करनी है लेकिन कहाँ करनी है, मुझे जगह ही नहीं मिली। पूरी दुनिया जहाँ की चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं कि ब्रांड्स हैं, कहाँ है अंदर। ओहो टाइम किल करने गई थी मैं तो खुद ही किल हो गई हूँ, यानी कि अंदर कुछ भी नहीं था। रानिया हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? देयर वाज लिटरली नथिंग इन द मॉल। यही मेरा कहना है, उर्दू में कहना है, बहुत ही बुरा मॉल है यार। मैं जी वापस आ गई हूँ यहाँ पर और पीछे आप देखिए बेचारे मेरा काम कर रहे हैं, एक तो लाइट नहीं आ रही, ऊपर से फ्रिल का काम जो है वो इतना लंबा हो गया। मैंने ना लाइन लाइट से लिया था, ये ना 50 लेंथ का था, तो मैंने ये फ्रिल लगा के इसको 58 जो है वो बनवाया। ये देखें ये इसकी लुक निकली। ये मैंने सोची मैं दुबई से लेकर आई थी, इंडियन सूट है फ्रॉक, इसकी लेंथ जो है वो 50 है, तो इसको मैं कंट्रास्ट करवा के ब्लैक के साथ इसकी फ्रिल लगा कर इसको 58 करवा रही हूँ, इसकी लुक ही टोटल चेंज हो जाएगी। तो ये सब मैं लोकल बाज़ार में हूँ, ये आप कहीं मॉल से नहीं करवा सकते। तो ये भाई बैठ के जो हैं बड़ी मेहनत से, लाइट बार बार जा रही है, लाइट भी नहीं है और फिर जनरेटर पे ये लोग काम कर रहे हैं और इसकी लुक चेंज कर रहे हैं। ये जी आखिरी मराहल में है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सस्ता होता है तो सस्ता नहीं होता है, लेकिन इससे इसकी लुक टोटली चेंज हो जाएगी, बिल्कुल डिज़ाइनर लुक हो जाएगी। ये जी मेरा दूसरा ड्रेस है जिसको टोटली चेंज हो चुका है, ये देखें यहाँ से। थैंक यू। ये जो मेरी पसीने वाली शक्ल, ये हाथ है मेरी, इंची टेप है, बुरा हाल हुआ है। तकरीबन 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद मेहनत रंग ले आई है। दिस इज़ एग्जैक्टली मी राइट नाउ, ये मेरा बुरा हाल हुआ है, लेकिन मुझे पता चला चीज़ नहीं कैसे हो जाती और इतनी अच्छी कैसे हो जाती है। गुलबर्ग से अब हम समना पास जा रहे हैं, जो एक स्पेशल बेकरी है जिसका मुझे क्रीम पफ पसंद है, तो 2 बजे तक खुली रहती है। उस दिन हम सुबह नाश्ता करने आए थे तो उन्होंने कहा कि अभी बंद है, तो अब जा रहे हैं हम लेने। यहाँ बहुत रश है, मुझे किसी ने बताया था वैसे, यहाँ का बारबेक्यू मैंने ट्राई किया था बहुत ही बुरा था। अब बेकरी खुली हुई है और रश वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मैं अपना कैमरा दे भेजती हूँ ताकि अंदर से मैं थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करवा लूँ। ये आ गया, नाउ आई विल ईट। हाँ तो इतना रश है, लग रहा है कुछ मुफ्त में मिल रहा है। यहाँ से गुजर रही थी, मुझे सब्ज़ियाँ अच्छी लगी, मुझे वैसे सब्ज़ी लेने का कोई आइडिया नहीं है, मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि ये चाहिए ये चाहिए और बस, और मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं इसलिए लेती नहीं हूँ। लेकिन अभी कुछ चीज़ें अच्छी लग रही थी और चाहिए भी थी, तो फिर अब मैंने घर वालों को उतारा है। अब लोग मेरे ख्याल में पान वालों के पास ज़्यादा नहीं जाते होंगे, वहाँ पे जाके ये नहीं बोलते होंगे चूना लगा दो, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा हर रिश्ते में चूना लगाने में लगा हुआ है। बात तो सही है। ठीक है, तो मैं सोचती हूँ यार कितना झूठ बोलते हो, यार कितना झूठ बोलते हो, खुदा की कसम। मैं कुछ लड़कियों से मिल रही थी, वो बता रही थी कि इतने इतने सस्ते हो गए हैं हम लोग, कुरान की कसमें उठाते हैं, अल्लाह की रसूल की कसमें खाते हैं, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, बड़ी मोहब्बत करते हैं। बेचारियों को मैं हौसला दे रही थी कि परवरिश परवरिश की बात होती है, और ज़रूरी तो नहीं कि हर बंदा परवरिश उसकी अच्छी हो, हर बंदा जो है उसके खून में वफादारी हो, तो रिग्रेट नहीं करना चाहिए उन लोगों को, करना चाहिए जो आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपको खोया है, आपने कुछ नहीं खोया। तो हर बंदा जो है वफा नहीं कर सकता, हर खून में हर नस्ल में वफा नहीं होती। तो मैं कहती हूँ कि पान वालों के पास तो लोग कम जाते होंगे, चूना यहीं पे लोग इतना लगाते हैं, लेकिन आई बिलीव मकाफात अमल होता है। मैंने कहीं पढ़ा था बड़ी खूबसूरत बात, अल्लाह अपने गुनाहगारों को माफ़ कर देता है, ठीक है, मोहब्बत अपने गुनाहगारों को माफ़ नहीं करती। जो लोग ये समझते हैं कि आप किसी नाम से किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, शायद उस वक्त किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, लेकिन मकाफात अमल इज़ एवरीथिंग, हर चीज़ सामने आती है। तो अल्लाह पे यकीन रखें, आगे बढ़ें, सब कुछ अच्छा होगा। जो बुरा करेगा वो उसके साथ बुरा होगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे, अल्लाह डिसाइड करेगा, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ें। इस सब्ज़ी वाली दुकान पर पता नहीं क्या जादू था कि मैं बड़ी फिलोसफर बन गई हूँ।
हो गई जी सब्जी, अब हो गई है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी है और आई हेट समर्स, बहुत बुरी लगती है। ये मेरा फेवरेट कुशन मेरे साथ होता है गाड़ी में, वो दुआना देख रहे हैं आप, वाटरमेलन, आई वांट टू ईट वाटरमेलन। कल से शुरू करनी है मैंने अपनी डाइटिंग एक्सरसाइज, तो एक दुआना चाहिए छोटा। ये बकरा मंडी, बकरे ले रहे हैं लोग। ओह हो, ये क्या हो रहा है, लोग बकरे ले रहे हैं, ये भी एक्सपीरियंस ही होता है, ये बड़ा टेक्निकल होता है। जितना चूना, यहाँ भी चूना लगाते हैं लोग, हर जगह चूना लगाने के लिए, यकीन करें पाकिस्तानी आवाम जो है ना वो कहते हैं रॉजर सर सही बात। अब मैं आ गई हूँ कॉफ़ी पीने, गर्मी में अब सोचूंगी कॉफ़ी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, चाय इनकी अच्छी नहीं है और रात के 2 बज रहे हैं। कहाँ पे आई हूँ मैं, ये पेट्रोल पंप है और साथ ये है एक 24/7 ओपन रहती है शॉप, इसकी कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है और ये 24 घंटे मिलती है, तो कॉफ़ी का वेट कर रही हूँ। सर में दर्द हो रहा है, थत्ती हो गई हूँ, पागल हूँ। इनके पास सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, कॉफ़ी मशीन भी है, मुझे कुछ ग्रॉसरी भी याद आ गई थी वो भी। इनके पास डिस्पोजेबल कप्स नहीं थे और आपको पता है मेरे पास तो सब होता है, मैंने कहा भाई आप मशीन इसके नीचे रखें, कप देती हूँ। ये है मेरी कॉफ़ी, आप सोचोगे इतनी गर्मी में कौन कॉफ़ी पीता है, मैं पीती हूँ जब सर में दर्द होता है। चाय बड़ी बहुत बुरी है चाय, और घर जाके मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है किसी काम का सिवाय जल्दी से चेंज करके। रात के 3 बज रहे हैं, घर में आ चुकी हूँ, अब तो मुझे नज़र आना भी बंद हो गया है, मैंने कहा जल्दी से व्लॉग का यहाँ पर एंड करूँ। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। व्लॉग देखें और महसूस करें कि कितना काम होता है एक छुट्टी वाले दिन के, सुबह से बंदा निकला होता है और ये वक्त हो जाता है। अपने आप को टाइम दें, कोशिश करें नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिविटी जो है ना वो उसकी जो वाइब्स होती हैं वो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। जो भी कोई आपका अपना भी हो अगर वो नेगेटिव है उससे दूर रहें, पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव हवा में सांस लें और मेरे व्लॉग्स को देखें। अल्लाह हाफ़िज़।